Hello students, once again I welcome you all in my new video. And students, in this video we are going to talk about the sexual reproduction in flowering plants. Okay, means बच्चों ऐसे plant जिसमें flowering होती है. अभी तक आप लोगों को मैंने पढ़ा था एक sexual mode of reproduction में कि जैसे आपके धूप ग्रास में cynodon dandelion हो गया, उसमें stem सी होता है. Icornium बता दिया था आपको, मैंने बताया बल्बिल, बताया tuber, बताया उन सब में उसकी स्टेमसिंग हो जाता है बच्चों. ठीक है, और आप मैं आपको बताया था, मैंने आपको थ्रू द लीफ बड ही बताया, तो उस फ्लावर के थ्रू नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताने चल रहा हूँ, थ्रू द फ्लावर. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में कि जिसमें फ्लावर के थ्रू ही होता हो. ठीक बच्चों, तो लेट्स स्टडी द डेफिनेशन. फ्लावर इज मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड पार्ट ऑफ प्लांट. Okay, modified and condensed part of plant. The main function of flower is to help in sexual reproduction. ठीक है, एक plant को खूबसूरत दिखाना. ठीक है, use in garland, this is secondary thing. Okay, लेकिन flower का main natural जो होती है, the role होती है, that is taking part in sexual reproduction. तो बच्चों parts of flower पढ़ते हैं, तो parts of flower में देखा जाए बच्चों इसके दो part होते हैं. एक होता है accessory part, एक क्या होता है reproductive part is also known as necessary part. Okay, देखो बच्चों ध्यान सुनिए, मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूँ वीडियो लंबी बन जाती है. ठीक है ना, अपना टाइम बहुत ज्यादा किल होता है. ठीक, चलिए, तो accessory part है बच्चों, देखा जाए having two parts, sepal and petal. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए there is a diagram, जो रेड वाला पोर्शन है अब इसको भूल जाइए, इस ब्लैक में जाइए. यहाँ पे देखिए ग्रीन है ना, ये ग्रीन वाले पार्ट, ये और ये क्या बच्चों, ये सेपल हैं. बट ये वाले पार्ट जो है क्या बच्चों, ये पेटल्स हैं. तो सेपल का मेन आप देखेंगे टमेटो में होता है, आपको मिल जाएगा, नीचे लगा होता है. ठीक है, सो सेपल इज मोस्टली ग्रीन. कैसा होता है बच्चों, मोस्टली ग्रीन होता है, और मोस्टली ग्रीन होने से ये फोटोसिंथेसिस करता है. क्या करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस. एक चीज और भी है, आपने कभी ऐसा फ्रूट खाया जिसमें सेपल थॉर्न में, यानी कि जो कांटे होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, उसमें चेंज हुआ हो? चलिए, अगर आप जानते रहे होंगे तो आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में. लेकिन मैं बता दूं कि बच्चों आप जो यू नो वाटर नट, सिंघाड़ा गांव में बोल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बच्चों क्या होता है, वाटर नट में जो आपके जो उस पर थॉर्न दिखते हैं, थॉर्न के जो कांटे जो होते हैं प्लांट्स के, उसको क्या बोलते हैं, थॉर्न. क्या बोलते हैं, थॉर्न, THORN. तो थॉर्न होते हैं जो वाटर नट के, सिंघाड़े के, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द सेपल. मॉडिफिकेशन ऑफ द सेपल है बच्चों, क्या है, पेटल, मोस्टली कलरफुल. ये क्या होते हैं बच्चों, मोस्टली कलरफुल, हेल्प्स इन पॉलिनेशन. ठीक बच्चों, प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर. ये क्या करते हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन करते हैं, प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर. पॉलिनेशन में जैसे कि जैसे मान लीजिए फ्लावर अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो इंसेक्ट बटा उसको बैठेंगे ही नहीं. ठीक है, कोई उसको तोड़ के, मान लीजिए यहाँ से किसी ने तोड़ा उसको, यहाँ से तोड़ के वहां ले गए, लगा रख दिए मान लीजिए कहीं, तो वहां से कुछ ना कुछ निकल के जाएंगे. मेन तो इंसेक्ट के लिए है. ठीक है, बस ह्यूमन बीइंग के लिए भी क्या है, ये अट्रैक्टिव होता है. किसी ने तोड़ा, वहां से तोड़ कर जर्ब लगा, तो वहां से क्या हो गया, पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो गए. पॉलन ग्रेन रिलीज बच्चों ना, तो क्या हर जगह एटमोसफियर में, एनवायरमेंट में फैल जाएंगे. ठीक है, एंड दे विल सिट ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा पे आके बच्चों ये क्या होंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, इस तरह से सेटल डाउन हो जाएंगे, और दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है, तो हेल्प इन पॉलिनेशन हो गया, प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर. अगर अट्रैक्टिव कलर नहीं रहेगा तो अट्रैक्टिव कलर रहने से क्या होता है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है. जो फ्लावरिंग का बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो देखो माली जो होते हैं ना, तो बच्चों इनका पूरा बिजनेस इसी अट्रैक्टिव कलर पे ही है. ठीक है, अब जैसे कि आप नाइट जैस्मिन हो गया, इसके गार्लैंड बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, जब मालाएं जो होती हैं दे आर नॉट लुकिंग सो गुड. ठीक है ना, तो बच्चों ये अट्रैक्टिव कलर देने से ही क्या होता है, इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है. मेन क्या है आपका, जो आपके लिए मेन आंसर बच्चों, साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से, हेल्प्स इन पॉलिनेशन. ओके, अगला बच्चों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टूडेंट्स, मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन. ये जो देख रहे हो ना, ये मैं इसको
और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ कि जो ये रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर वाला है, ये ब्रैकेट में मत जाइएगा, जो रेड कलर का दैट इज अ मेल साइन इन बायोलॉजी। एंड इसमें देखो, इसमें जो ये जीरो लिखा नीचे प्लस लगा दिया, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा नीचे होता है, और मैं अच्छे से बना दूँ, ये देखो ऐसे देख रहे हो ना, ठीक ना, जीरो करके नीचे एक लाइन खींचिए, उसमें क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द फीमेल सिंबल इन बायोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोशियम, इज कॉल्ड एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गायनोसियम, इज कॉल्ड गायनोसियम। बच्चों वन मोर थिंग, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, देखो कंफ्यूजिंग यही होता है, द यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमेन, इज कॉल्ड स्टेमेन, एंड द यूनिट ऑफ द गायनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। देखो एंड्रो में तो होता है मेल, यहाँ देखो गायनो में क्या होता है फीमेल, आपने सुना होगा गायनकोलॉजिस्ट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गायनो में फीमेल, गायनो में फीमेल। अब बच्चों स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, ये स्टेमेन का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ऊपर बच्चों क्या है, एंथर है, एंथर के पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, एंथर कंसिस्ट पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन उसी में बनते हैं और उसी में मैच्योर होते हैं, ठीक बच्चों, बाद में एंथर से ये निकल जाते हैं, किस लिए, यहाँ से देखो निकलेंगे ऐसे, यहाँ से निकलेंगे और इस पर लैंड करेंगे फॉर द पॉलिनेशन, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक बच्चों। तो इस तरह से इसका ये पूरा, ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, ये पूरा बना हुआ है, तो उसमें इस ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, जो बेस पार्ट है ऊपर का, जो उसमें लैंड करते हैं क्या, आपके पॉलन ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये है स्टाइल, क्या है, स्टाइल, ठीक है। आप कह सकते हैं कि थिन एंड सिलेंडर पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, इज कॉल्ड स्टाइल, और बेसल सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी, इज कॉल्ड ओवरी, ठीक बच्चों। और इसी ओवरी के अंदर ही क्या होता है बच्चों, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, इस क्या बोलते हैं, ओव्यूल, क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। और बच्चों ओव्यूल ही आफ्टर द पॉलिनेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पढ़ाएं इसके बाद, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इन टू सीड एंड ओवरी विल चेंज इन टू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा, न तो आपको फ्रूट मिलने वाला है, न तो सीड मिलने वाला है, इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल केसेस, कुछ जगह ऐसे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाते हैं, जैसे बनाना, जैसे बनाना, ठीक है, कुछ ग्रासेस में भी होता है, लेकिन आपको मेन पढ़ना बच्चों अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवरी हो गया, ये क्या है बच्चों, जो ब्लैक वाली है ये ओव्यूल हो गया, सीड बदलता है, जो ओवरी वाला पोर्शन है क्या बदलता है, फ्रूट बदलता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अंदर बच्चों ग्रीनिश लाइन है, ये ग्रीनिश लाइन इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, ऐसा सैक जिसमें एम्ब्रियो रहता है, ठीक है बच्चों। ये भी कब बनता है, अब मत कहिएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले ही, क्यों, क्योंकि इसी के पास क्या होती है, एक सेल और फीमेल गैमेट। देखो पॉलन ग्रेन में, देखो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाए बच्चों, तो ऐसा होता है, इसमें दो मेल गैमेट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, दो मेल गैमेट, और उसी तरह से फीमेल गैमेट कहाँ होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर बच्चों होते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ पे होगा ये एक सेल या फीमेल गैमेट, आपको मैं डायग्राम बता चुका हूँ। सेपल के नीचे, अब फ्लावर में थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चों, देखो सेपल के नीचे एक ऐसा सोलन पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, थैलमस, क्या बोलते हैं, थैलमस, थैलमस आल्सो फॉर्म्स द फ्रूट, ये भी फ्रूट बनाता है, और जब फ्रूट डेवलप होता है थैलमस से, यानी कि ऐसा फ्रूट, दैट मीन्स सच फ्रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द डेवलप्ड अदर देन ओवरी, ऐसे फ्रूट जिसका डेवलपमेंट ओवरी से ना करके किसी और फ्लोरल पार्ट से हो। फ्लोरल पार्ट मतलब कि ये चार पार्ट है, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ठीक है, ठीक है ना, यानी कि मेन जो पार्ट है ओवरी, ओवरी से ना होके किसी और पार्ट के से हो डेवलप फ्रूट, तो उसे क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट, क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट।
और ओवरी से होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। तो एग्जाम्पल क्या, एप्पल है, पियर है, कैजू नट है, ठीक है, ये किसी लगा देते हैं, कहोगे सर इतने ही है क्या। ठीक बच्चों, तो अब नीचे जो स्टॉक है, फ्लावर का नीचे स्टॉक होता है, दैट इज कॉल्ड पेडंकल, दैट इज कॉल्ड पेडंकल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कंप्लीट योर कॉपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।